फेस वॉश तो कर लो पहले। नहीं, हम ऐसे ही जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि दिव्यांगों में अपना ऐसा रूप दिखाऊं। चश्मे भी नहीं है जे, नाक बच गया ना नीचे। अगर गुस्सा आ रहा ना मेरे को तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। भगवान, चलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो योगा एक्सरसाइज तो मेरा हो चुका है, नेहा का भी हो चुका था। तो नेहा नीचे आ चुकी थी क्योंकि हमें करना था ब्रेकफास्ट। अब देखते हैं कि ब्रेकफास्ट में नेहा ने क्या बनाया होगा। तो सबसे पहले तो इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। तो आप सभी लोगों को तारा देवी माता के दर्शन, जय हो तारा देवी माता, सब पे रक्षा बनाए रखना। योगा एक्सरसाइज करने के बाद मैं नीचे आ गई थी अक्षय से पहले। थोड़ा सा झाड़ू पोछा करना था, पोछा मैंने मारा नहीं, वो थोड़ी देर में मारूंगी। उससे पहले मेरा मन हुआ कि आज हम लोग खाएं आलू के पराठे, तो मैंने आलू भिगो दिए थे। मैंने ऐसे अक्षय से पूछा नहीं, पर चलो एक बार ही पूछ तो लेती हूँ कि खाने है कि नहीं, पर ऑप्शन उनके पास है नहीं, पूछ लेती हूँ। पंची सर, आप खाएंगे आलू के पराठे? Yes। वैसे तो मैंने आलू डाल दिए थे, तो मैं जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रही हूँ, क्योंकि हाँ, मैं जब खाऊंगा। ऊपर से आई थी तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज परांठे खा लेते हैं, सब्जी खा खा के भी बोर हो गए। धूप अच्छी लगी है ना, हाँ इसलिए मैं आज। यहाँ बैठ गया कि विटामिन डी भी ले लेते हैं। ठीक है, तो आप बनाओ तब तक। हाँ, मुझे सिर्फ 5 से 7 मिनट लगेंगे, फिर मैं आपको ताजे ताजे देती हूँ। तो अभी जाना है हम लोगों ने, आज आपने बताया था आपका सैलून जाना है। मैं सोच रही हूँ कि सैलून वाला काम भी कर लेते हैं, और जो ये गर्म कपड़े हैं ना हमारे, अच्छा, इनको भी रख देते हैं। सही बात है यार, क्योंकि बहुत ज्यादा जगह घेर ली है। बहुत ज्यादा, और अक्षय की तो पूरी कबर्ड, इनकी जैकेट, स्वेटर, इन सब से भरी हुई, और गर्मी के कपड़े हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं है। और हाँ, शिमला में वैसे आ ही चुकी है गर्मी, तो मैं सोच रही हूँ कि दिन में या सैलून जाने से पहले या बाद में ना वो कपड़े सारे अर्थ वापस रख आप देते एक हैं। बार अपॉइंटमेंट ले लो ना, नहीं तो ऐसा होगा कि वो पिछली बार की तरह अपॉइंटमेंट मिले ना मिले। हाँ चलो, पहले मैं ब्रेकफास्ट हाँ बनाती हूँ, उसके बाद लेती हूँ। ठीक है, कैसे बने हैं परांठे? बढ़िया है। उतने अच्छे नहीं बने होंगे शायद, नहीं काफी ठीक टाइम है, बाद बनाए बढ़िया है, हैं। अच्छा है, अच्छा है। तिल रखने के लिए देखो कैसे बोल रहे हैं। नहीं और चाहिए? बस मैं इतना ही खाऊंगा। हो गया? मैंने बोला था ना आपको एक बारी फोन कर लो, हो सकता है कि आज वो बिजी हो, आपको अपॉइंटमेंट ना मिले। अरे मुझे लगा ना वो मैक्सिमम टाइम कई बार फ्री हो जाते हैं, तो उनके पास आज स्मूथनिंग है, तो उन्होंने फिर, क्योंकि टाइम लग जाता है, तो फिर कम से कम एक कस्टमर को दो दो अगर घंटे देने होते हैं, तो उन्होंने बोला आप कल मॉर्निंग में आओ, फिर मैं आपको आराम से टाइम दे सकती हूँ। मैं कहा फिर जल्दबाजी में क्या करना, जाके ठीक किस्मत ही है। खराब है, दूसरी बार हो गया है मेरे तो हम साथ। एक काम कर सकते हैं, आज अभी वो जो हमने सोचा था कि कवर सेट कर लेते हैं, हाँ दूसरा ये कि थोड़ा बहुत जो घर का सामान है वो भी लेके आ वो भी जाते ले आते हैं मार्केट अभी, से। क्योंकि कुछ टाइम तक हम लोग यहीं पे रहेंगे, तो फिर हाँ सामान होना चाहिए, क्योंकि हम जो यहाँ पे सामान था वो हम लोग गाँव ले गए थे, क्योंकि कुछ टाइम में खराब हो जाता है। तो बस ब्रेकफास्ट हो गया है, तो फिर उसके बाद फिर कपड़ वाला काम करते हैं, फिर चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है ये क्या लेके आ गया आप? यार, हम लोग चलो अच्छा, बारिश तो याद मैं आ गया जा नहीं मेरे को। सकती, हम चंडीगढ़ से लेके नहीं आए थे हाँ स्पा हाँ हाँ मास्क, तो हम फेस गाँव मास्क। से, हाँ मतलब फेस मास्क ही है पर इसमें स्पा मास्क लिखा है। हाँ तो जब हम गांव से आए तो हमारी स्किन बहुत डल डल हो गया, मेरे को खुद को भी लग रहा है कि मैं बहुत काली काली सी लग रही हूँ। कमेंट भी आया था तुम्हें तो। ये गांव का निखार है, कुछ नहीं कर सकते इसका। मैम तो इट मीन्स मैं ठीक हूँ, मेरे कोई आप चेंज ठीक नहीं हो, आ मैं रहा। कुछ ज्यादा ही हो गई हूँ। तो अभी बस मैं फ्री होती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपके फेस पे भी लगाती हूँ, अपने फेस पे भी लगाती हूँ, ठीक थोड़ा सा है, फेस निखार लेते हैं, सच में बड़े काले हो गए हैं। मैं ब्लॉग में भी देख रही थी, मैं तो अक्षय नहीं का हुआ तो कोई ना। फर्क नहीं है, तो रफ एंड टफ या स्पोर्ट्समैन है। ऐसे ही होते हैं, नहीं रफ पर एंड टफ। जिस हिसाब से आपके, मैंने कॉलेज की फोटोज देखी है, उस हिसाब से तो आप बहुत ज्यादा काले हो गए? काले हो हाँ चुके वो हो। तो ऑब्वियस सी बात है, उस टाइम भी तो बहुत गोरा था मैं, अब थोड़ा सा थोड़ा कम हुआ है, हूँ अभी चलो भी। ठीक है, मैं आती हूँ 5 मिनट में, फिर लगाते हैं इसको, ठीक है, तो आप ये क्या निकाल रहे हो अब? अपने जो पतले कपड़े हैं। अच्छा, इसमें मोटे डालोगे? कुछ कपड़े ऐसे तो शादी के बाद शायद मैंने 1 या 2 बार ही पहने होंगे, क्योंकि ठंड आ गई थी तो मौका है, तो फिर मैंने सोचा कि, पर एक चीज मेरी अच्छी है कि अभी हम जब पीछे गांव गए थे ना, तो मैं मैक्सिमम हम जो अपनी स्वेटर्स है वो सब मैं गांव ले गई हूँ, तो मेरे यहाँ मोटे कपड़े बहुत ही कम है, बस कुछ श्रग्स है और कुछ स्वेटर्स है, वो शायद मेरी एक ही उसमें आ जाएगी। तो मैं आपके लिए दूसरी एक दूसरी वाली जो ट्रॉली है वो देख लेती हूँ, अगर उसमें आएंगे, ठीक है, क्योंकि क्योंकि आप, मेरे क्योंकि तो तो बहुत ज़्यादा जैकेट इतने है। बड़े बड़े हाँ, हैं। तो मुझे तो कोई बड़ी सी चाहिए होगी, सारे वुलन क्लोथ्स एक उसमें डाल बात दूंगा। पूछूं, हाँ जी, आपके पास इतने कपड़े क्यों है, फिर भी मेरे को ऐसा लगता है बहुत कम है। और इनके पास जो 3 पीस 2 पीस, आप एक मेरी शादी की अटैची है बहुत बड़ी, उसमें सिर्फ इन्हीं के कपड़े हैं। मेरे जो गर्म कपड़े हैं वो सिर्फ इतने ही हैं जितने आप देख सकते हो, और अक्षय के देखो तो और तो नहीं है। भगवान, इतने कपड़े, और आप देख सकते हो सॉक्स, मुझे कम से कम 7-8 तो सॉक्स है,
टोपियां भी है, भगवान कहाँ रखने इतने कपड़े। कोई खाली नहीं है वहाँ पे। देखती हूँ मैं आपके लिए बड़ी वाली करती हूँ। हाँ, वो देखो अगर होती है ना, क्योंकि छोटे में तो नहीं आएगी ये। नहीं आ जाएगा सारा। मैं आपको उस टाइम बोल रही थी ना कि जैकेट जुकेट गाँव ले जाओ, वो आपने गलती कर दी। जैकेट? हाँ, वहाँ जगह भी थी ना रखने की, तो ले जा सकते हैं गाँव में। या तो एक फिर जरूरत पड़ेगी फिर शिमला से वहाँ ले जाओ, फिर वहाँ से यहाँ लाओ, इससे अच्छा यहीं भी कहीं भी रख के फायदा है। चलो आपकी मर्जी है, मैं आपके लिए देख लेती हूँ कोई अटैच अगर खाली है। कवर में मैंने ऊपर वाला हिस्सा तो सेट कर दिया है, इसमें से मैक्सिमम चीज है जो गांव जाएगी, तो अभी फिलहाल के लिए मैंने हैंगर में टांग दिया। नीचे भी यहाँ मैंने सारा सेट कर दिया है, अब ऊपर वाले कवर बचे, इसमें भी देखता हूँ क्या क्या है। ओ भाई, ऊपर वाले कवर से ये इतना सारा ढेर निकला है, अब इसको भी सेट करना है। इसमें से भी मैं सोच रहा हूँ कुछ गाँव ले जाता हूँ, कुछ यहीं रहने देता हूँ। मुझे अभी एक ही मतलब दुख फील हुआ, ये जो मैंने बॉटल ग्रीन कलर का सूट नहीं लिया था, बहुत सुंदर सूट था, इसमें पता नहीं पीछे बैक साइड ना कहाँ से कट लग गया, और सोचो मैंने दो बार भी नहीं पहना था ये, तो ठीक नहीं हो गए। अब वो रफू करवा के वही है, गांव ले जाऊंगी, फिर गांव में तो आसकट के नीचे पहन नहीं सकते, यहाँ तो नहीं, पर इतना सुंदर सूट था ये। चलो कोई नहीं, नया ले लेंगे वाला। फाइनली मेरा काम हो चुका है, अब बचा सिर्फ नेहा का। आपको हेल्प करूं मैं? नहीं, कुछ आप ना फ्रूट काट दो। फ्रूट्स काटूं? ठीक है, वाटरमेलन खाओगे? हाँ ठीक है, वाटरमेलन तैयार है। तो ये मतलब आपका ऐसा है कि हम इसको पूरा खाएंगे इतना? हाँ, चंडीगढ़ में हम ऐसे खाते थे इसको, बीच से काटा। हाँ। चम्मच लिया और ऐसे ही खोल दिया। बढ़िया बनता है इस तरह से, दो ही लोग तो खा सकते। चलो मैं भी ट्राई करती हूँ, पर इतना बड़ा ले आ दिया मैंने। अरे इतना बड़ा कुछ नहीं अभी लग रहा है, जब खाने लगोगे तो। अच्छा, मैं बस आई चाचू के घर में एक सामान दे के आती हूँ, पहले खा लेते हैं। आ रहा है मजा? इसी तरह से खाने में ना काफी मजा आता है। थोड़ा सा ठंडा है। ठंडा तो है पर अच्छा है। हाँ, इससे गर्मी निकल जाएगी ना, और ऐसे खाने में मजा कुछ और ही है। और इसमें पानी भी इकट्ठा होता रहेगा ना, वेस्ट नहीं होता, नहीं तो हर जगह गिरता है इसका मीठा पानी और चींटियां लग जाती है जैसे। अच्छा, मीठा दिमाग लगाया है। ऐसे ही खाते वैसे इसको। आज देखो कौन आया। हेलो मामू, कैसे है आप? आफ्टर रिटायरमेंट मामू गायब हो गए, कैसे लग रहा है आपको? बढ़िया, मस्त, फ्री है ना, टेंशन फ्री। हाँ, ये तो है सही बात है। कैसे बीत रहे आपके दिन? जी ठीक है। तो मामू तो ये नहीं खाएंगे वाटरमेलन, तो आपके लिए मैंने ये काटा, मैं वो फोक देता हूँ आपको, इसमें वो डालना है नमक वगैरह। वैसे तो हम लोगों ने अभी चाचू के घर जाना था, पर अब थोड़ा सा पोस्टपोन कर रहे, शाम के टाइम जाएंगे, अभी थोड़ा सा अपना काम बाकी बचा है तो वो कर लेते हैं। और अभी एक और काम है, इंटरेस्टिंग काम, फेस मास्क लगाना है, और हम लोगों ने लाया तो था, तो सोचे उसको यूज कर लेते हैं, देखते हैं कितना इफेक्टिव है कितना नहीं है। तो आप बैठ गए? ठीक है, ठीक तो है, आ जाओ पहले मैं आपको लगा दूं। तो ये है जी फेस मास्क। हाँ, आप पहले मेरे को लगा दो। हेलो, मेरे फेस पे लगाओगे पहले? हाँ। ठीक है। ओ बाप रे, बहुत ठंडा है। ठंडा तो ठीक है, आधे साथ आपकी दाढ़ियां हैं ऊपर, यही तो दिक्कत है, ऊपर ऊपर वाले में ही लगेगा अच्छे से, बाकी दाढ़ी वाले में तो ऐसे ऐसे टिका रहेगा। ये काला है ना ये बाहर से? हाँ। तो किसी को डराने भी जा सकते हैं अभी हम। जाओ दिव्य, ऐसे जाए दिव्य, घूम के आते बिल्डिंग में। मैं तो नहीं घूमा। वाह, तो जी मेरा मास्क लग चुका है, नाक पे अच्छे से बिठाना, क्योंकि बस इतना ही एरिया नाक और नाक के आसपास वाला और इसके ऊपर, बाकी नीचे वाला एरिया तो फिर अब यूज नहीं होगा। टाइम देख लेना कितना हुआ अभी, कितने टाइम तक रखना है? 15-20 मिनट रखना है। हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप आई एम लुकिंग गुड, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, जो अभी दिया नहीं है। हेलो, बढ़िया लग रहे हम वैसे, मैं बताऊँ ना बाहर घूमे मजा आएगा, बिल्डिंग में घूमते ऐसे लोग भी सोचेंगे कौन है। ठीक है यार, नहीं अच्छा है, मतलब जितना चिपका है उतना मेरा ठीक है, बाकी तो हवा में ही है दाढ़ी के ऊपर। ये भी अच्छी है कि मम्मी पापा का कॉल आया था, वो भी 15 को शायद आ रहे हैं मंडे को। ओ, शिमला रहे? हाँ। चलो अच्छी बात है, तो जिस काम के लिए हम भी आए हैं तो फिर मम्मी पापा भी आ रहे हैं। और मम्मी को ये भी है ना, हॉस्पिटल में चेक भी करवा देंगे। अच्छा है, क्योंकि मैंने रिपोर्ट्स दिखाई थी तो डॉक्टर ने, मैंने आपको बताया भी था कि डॉक्टर ने उनको खुद बुलाया, तो फिर मैंने कल ही मम्मी से बात की थी, तो मम्मी को मनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो पापा को मना लिया तो आ जाएंगे मंडे को। ठीक, और कैसे लग रहा कि मेरे मुंह में बस स्टैंड जैसा बना हुआ, बिल्कुल सीधा ही, इसमें हंस नहीं सकते ना इसे।
सही बात है, मैंने अभी फोटो में देखा, अभी फोटो खींची ना अपनी, ऐसे दिख नहीं रहा, मैंने चश्मे भी नहीं पहने। अच्छा चश्मे नहीं पहने ना, मैंने देख नहीं पाया। और अभी बात मत करो, फायदा नहीं है फिर। सॉरी यार, थोड़ा सा मसल मूवमेंट होगी फेस की तो अच्छा असर नहीं दिखेगा। वैसे असर तो कुछ भी नहीं दिखना है, पर चलो है पड़ा हुआ तो हमने यूज कर लिया। वाओ, ऐसा लग रहा है बैग पहन लिया मैंने अपने मुंह पे, है ना? पहले इंसान से खुश हो रहे मास्क पहन के, बढ़िया लग रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है बाहर जाने को। मत दिखाओ ना बार बार, नहीं अच्छे लग रहे हो आप, तभी दिखा रहा हूँ। नेहा ने तो फेस धो लिया है, दिखाओ जरा कैसा लग रहा है, आई कुछ चमक? पता नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ मैं तो अभी ऐसे ही घूमूंगा, बल्कि और काले लग रहे तुम। सही में बोल रहा हूँ, फेस वॉश तो कर लो पहले। नहीं, हम ऐसे ही जाएंगे, मैं चाहता हूँ कि दिव्यांगों में अपना ऐसा रूप दिखाऊं। चश्मे भी नहीं है, जो नाक बच गया ना नीचे। अगर गुस्सा आ रहा ना मेरे को तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। भगवान, चलो चलो। मैं ना, मैं बेल बजाता हूँ और गेट पे खड़ा हो जाता। खुला है दरवाजा, कोई रिसीव करने वाला नहीं है। नहीं, वेयर इज दिव्या? डरा ही नहीं ये बच्चा जो डरेगा। ये क्या है, क्या है ये? दिस इज न्यू, ये क्या है भाई, व्हाट इज दिस? ये एक नया स्टाइल है अपने आप को यंग रखने का, और ये मास्क पहनना पड़ता है। ये फेस मास्क है, मास्क, फेस मास्क। अच्छा। तो मैंने सोचा कि डरा देता हूँ। नहीं, डरना तो क्या था, सबको ऐसा लगा कि भाई ये यूज करते हैं ना, इसलिए रात को आना चाहिए था मुझे। ये टैनिंग और ऐसे स्क्रीन डैमेज के लिए ना, तो ये थोड़ा ढीला भी हो गया टैनिंग के लिए। और सुनाओ आप कैसे है? ठीक है बेटा, ब्लॉग देख रही थी मैं तो। और आपका बढ़िया रहा भंडारा? हाँ, काफी रहा, मजा आया हम लोगों को, बड़ी सेटिस्फेक्शन हो गई अच्छे से। हाँ, नहीं बहुत बढ़िया। देखो मैंने तो यहाँ से वहाँ डांस भी किया, देखा? हाँ देखा हमने, आपने डांस भी किया। और हाँ, सात हजार लोग थे कल जिन्होंने। हाँ, 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 बहुत बड़ा जो नंबर था यार। अच्छा रहा कल, अच्छा रहा वो, हमने खुद भी लाइव देखा, कम से कम 3-4 हजार। थक गई, सारे दिन भर खड़ी थी ना। नहीं ठीक है, आपने रेस्ट। बड़े खुश हुए वहाँ लेडीज थी ना, किचन पार्टी ना। अच्छा, क्या कहते हैं, एक तो जो JCB स्कूल है वहाँ पे प्रिंसिपल थे वो मैडम ना, तो और एक उनके CM साहब के सिस्टर भी थे वहाँ। अच्छा। तो बड़े खुश हुए वो ना देख के वहाँ के मैडम, मेरा नंबर भी लिया उन्होंने कि भई आप ना हमारे वहाँ खलीनी में एक हनुमान मंदिर मंगलवार को थी वहाँ कीर्तन आरती, भई आप वहाँ जरूर आना हमारे उसमें। मैं लगभग नहीं, बहुत अच्छी बात है, पर मेरा भी कुछ वो रहता है, वर्किंग डेज में तो टाइम नहीं होता, कॉलेज में हमें काम, मैं थक के आती हूँ बेटा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। कहते मैडम जरूर आना आप, उनको मेरा डांस पसंद आ गया वहाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। इम्प्रेस हुए, मेरे को खुद ही बुला रहे थे कि इधर आओ, आप हस्बैंड को बुलाओ, भाई आप दोनों डांस करो यहाँ, तभी भाई आपको ये आपको आशीर्वाद देना, हमने आपको फलित होगा ये। बहुत अच्छी बात है, अच्छा है, बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहोगे आप इस मास्क के बारे में? बढ़िया लग रहा है, मैं तो इसको बोलता मार्केट में चलते हैं। बहुत फनी लगना था, वह रात को अच्छा लगना था। इसमें फोम बार लगी, क्या चक्कर है? यही तो है इसका राज। अभी ये तो शॉपिंग करके आया अभी अभी। हाँ बोलता आप भाई को तो खूब लेते हैं, हैं? और भाई आपको ज्यादा प्यारा मिला, ऐसा कुछ नहीं है, देखो दोनों बच्चे पार्शलिटी। हाँ, पार्शलिटी नहीं तो करा दिया आपने शॉपिंग। वो डॉक्टर बनेगा तो इसको भी मेरी पूरी कोशिश है कि ये भी डॉक्टर बने, उससे ज्यादा अच्छा करे, है ना? जब माँ कर रही है, कॉलेज में पढ़ा रही है बेटा, माँ भी इतने एफर्ट्स किए बचपन से, पढ़ा हमने दोनों ने, पापा ने MBA की, मैंने BSc की, MSc की, फिर आगे जॉब कर रहे, तो आपसे भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमसे 10 कदम आगे करें, क्यों, है ना? हाँ बिल्कुल, ये तो मानता है बेटा, भगवान मन तो ही चाहते हैं हमारे सारे लड़के लड़कियां सब सेटल हो जाए। तो अपना लंच टाइम तो हो चुका है, तो मेरी स्किन में ग्लो देख सकते हैं, स्किन होनी चाहिए रफ एंड टफ, जो मर्जी लगाओ एकदम ग्लो होना चाहिए। तो नया से ज्यादा अच्छी स्किन मेरी ग्लो कर रही है इस टाइम पे, तो मुझे इस चीज की खुशी है कि चलो कोई पैक तो मेरे काम आया। तो अब चलो लंच बना लेते हैं, फिर उसके बाद रेस्ट करेंगे थोड़ा सा, फिर शाम को देखते हैं क्या बनता है। नेहा जी, मैं अभी आया, नीचे पेंटर बाबू आया ना, चाह गए, उनको मैं दिखा देता हूँ एक बार क्या करना। हाँ, अच्छे से दिखा दो उनको सारा ना। ठीक है, तो बहुत बढ़िया होगा। हाँ ये लो सामान भी लेके आ गया मैं। अच्छा, और भैया से बात हो गई है, और रूम के हालत ना इतने गंदे हो गए हैं, इतना खराब किया है, तो वो ये कह रहे थे टाइम भी ज्यादा लगेगा,
और पैसे भी। कितने? वो अभी बात करते हैं उनसे। नहीं, मैं सुबह गई थी, मैं जब नीचे तक गेट तक झाड़ू मारी थी ना, तो मैं अंदर गई थी, उन्होंने मतलब जो भी थे वो बहुत ज्यादा गंदा कर रखा है। बहुत गंदा यार, अपना आधा से सादा सामान भी वहाँ छोड़ा है। तो हाँ, उनको फोन करना पड़ेगा, वो कुछ सामान जो है वो भी ले जाए, उसको ले जाओ, क्योंकि हम कहाँ डालेंगे उसको। बिल्कुल। हो चुकी है शाम, शाम क्या रात ही हो चुकी है, मतलब 7:30 के बीच में। तो अभी मैं डिनर बना के फ्री हुई हूँ, तो आज वैसे अक्षय ने मेरी हेल्प करी है खाना बनाने में। दिन आज हमारा ऐसे ही निकल गया, पहले हम सुबह कपड़े रख रहे थे उस पर ही, फिर मामू आ गए थे, फिर उनके साथ ही। आज हमें विकास नगर भी जाना था, वहाँ भी नहीं जा पाए, पर चलो कल हमारा थोड़ा बहुत काम है तो विकास नगर वाला काम भी हो ही जाएगा। और अभी मैं बाहर आई हूँ ठंडी ठंडी फ्रेश फ्रेश हवा लेने, क्योंकि अंदर गर्मी लग रही थी, और साथ में मैंने भजन भी लगाए हैं क्योंकि पूजा का टाइम भी हो गया। तो बस मैं अब अंदर चलती हूँ और देखती हूँ कि अक्षय क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ वो काम कर रहे थे, शायद एडिटिंग कर रहे थे। उन्हें भी बोलती हूँ कि पूजा कर लेते हैं। हो गई एडिटिंग? हाँ, थोड़ी बहुत रह गई है। हाँ हाँ, पूजा का टाइम हो गया है। अभी मैं बाहर वॉक करी थी तो मैंने एक चीज नोटिस करी, पहले यहाँ भजन नहीं बजते थे, अब पड़ोसियों के भी भजन सुनाई देते हैं। नहीं, यहाँ नीचे बजते हैं, यहाँ नहीं, इस साइड बज रहे, शायद हमारे किराएदार के बज रहे। यहाँ तो पूरा कीर्तन होता है ना, जो हमारे घर के नीचे, यहाँ तो मैंने सुना है, यहाँ तो कीर्तन होता है। तो चलो हम भी अपना पूजा पाठ कर लेते हैं, क्योंकि टाइम हो गया पूजा का। और आज आपने मेरी बहुत हेल्प करी है खाना बनाने में, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, हेल्प करनी चाहिए, मैं सबको बोलता हूँ, हस्बैंड को तो वाइफ की हेल्प वैसे भी करनी चाहिए, दोनों को रेसिप्रोकल होता है। इवन फैमिली मेंबर्स और भी है तो थोड़ा थोड़ा काम करना चाहिए, ताकि एक के ऊपर बर्डन ना बढ़े और इजी भी हो जाता है और काम भी हो जाता है। मेन तो ये है कि काम हो जाए, उससे ज्यादा मतलब होता है। एक दूसरे की हेल्प किया करो, क्योंकि कई लोग इस चीज को समझ भी नहीं पाते हैं, तो वो इसको भी नेगेटिव में ले लेते हैं। तो हस्बैंड वाइफ को तो एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, और ये मेरी बहुत करते हैं। आज उन्हें खाना बनाने में भी हेल्प करी, थैंक यू सो मच। तो अब हम पूजा कर लेते हैं सबसे पहले। तो जी, इसी नोट के साथ अब मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को भी यहीं पे ही खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अभी हमें फिलहाल छोटा सा काम है, हमें चाचू के घर जाना है, तो हम सोच रहे कि वहाँ चले जाते हैं, वो काम भी कराते हैं। एक्चुअली वो जो पेंटर है ना, वो चाचू ने ही भेजे थे, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, और हमने थोड़ा बहुत मस्ती करने की कोशिश की, आई होप आपको हमारी मस्ती भी अच्छी लगी हो। तो अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहे अक्षय दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।